हेलो, आज का क्लास है हमारा एमएस एक्सेल में हाइट अनहाइट फ्रीज रो एंड कॉलम्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं हाइट अनहाइट रोज और कॉलम के बारे में। जिस कॉलम को हाइट करना है पहले सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि जी को अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, फैमिली इनकम वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में जो शॉर्टकट मेनू में है, और वहां से जाके हाइट अनहाइट ऑप्शन में जाने के बाद हाइट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए कॉलम एफ जो है हाइड हो गया है। पता चल रहा है आप लोगों को? ये ऊपर से देख सकते हैं कॉलम नेम से, जैसे ई एफ जी नहीं है, इसी के बाद एच है, मतलब कि जी जो है वो हाइड हो गया है। उनको अनहाइड करने के लिए जहाँ से बीच में जो हाइट हुआ है उसके आगे का एक सेल और उसके बाद का एक सेल सेलेक्ट करेंगे, एक एफ से और एक एच से सेलेक्ट कर लिए दोनों को। और वहाँ से हम फिर जाएंगे फॉर्मेट फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद हाइट अनहाइड ऑप्शन से जाके अनहाइड कॉलम्स कर देंगे। देखिए जी आ गया जैसा कि देख रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग एक बार रो में भी ट्राई कर लेते हैं। तो एक रो को मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और फिर से वहीं जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में, और वहाँ से हाइट अनहाइट से हाइड रो करेंगे। इस बार वो रो हाइड हो गया है जैसा कि देख रहे हैं। रियल नंबर 2 के बाद 3 था, या रो नेम आप और बगल से दे सकते हैं, 4 5 6 में 5 नहीं है। तो वहाँ से उनके पहले का एक सेल और उनके बाद का एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, और फिर से फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद हाइट अनहाइट, और वहाँ से अनहाइट रोज। फिर से शो करने लगा। ये हाइट अनहाइट का ऑप्शन था। अब है फ्रीज ऑप्शन। फ्रीज ऑप्शन क्या होता है? जैसे कि हेडिंग ऊपर देख रहे हैं, सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम है। जब बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा बना रहे होते हैं तो नीचे बहुत स्क्रॉल करना होता है। जब स्क्रॉल करते हैं हम लोग ना, तो ऊपर का हेडिंग हट जाता है, जैसा कि भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये ऊपर हेडिंग है, नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो वो भी हेडिंग स्क्रॉल हो जाता है। उसको फ्रीज करने के लिए फ्रीज ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो फ्रीज ऑप्शन के लिए हम कैसे करेंगे? दिख रहा है कैसे वो हो रहा है? उसको हमको वहाँ पे रखना है। अगर हमको वहाँ पे रखना है तो उसके लिए फ्रीज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। व्यू टैब दिख रहा होगा ऊपर में, ये सारे हेडिंग फ्रीज रहेगा, ठीक है। उसके लिए व्यू टैब में जाएंगे, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको एक दिखेगा फ्रीज पेन, है ना। फ्रीज पेन्स का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से जाने के बाद उसमें तीन ऑप्शन दिखेगा हमको, तीनों में से जिनको फ्रीज करना है। आप कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को या टॉप रोज को, या फिर फ्रीज पेंस, जिसको भी करना चाहें। वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने टॉप रो को सिलेक्ट किया है। टॉप रो सबसे ऊपर का जो रो है, एक नंबर वाला रो, वो फ्रीज हो जाएगा। अब स्क्रॉल नीचे करेंगे तो वो स्टे रहेगा वहीं पर, नीचे वाला सिर्फ उसके नीचे का डाटा स्क्रॉल होगा, है ना। जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, वो वहीं स्टे है और बाकी नीचे का चीज जो है स्क्रॉल हो रहा है, नीचे का डाटा। फिर से अगर हमको अनफ्रीज करना है इनको, तो फिर से वहीं पे जाएंगे उसी ऑप्शन में, फ्रीज पेंस में, ऊपर फ्रीज पेंस, उसमें अनफ्रीज पेंस कर देंगे। फिर से वो पूरा स्क्रॉल होने लगेगा। नीचे करेंगे तो देखिए वो भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आज का क्लास इतना ही था। धन्यवाद।